तो आज हम ओपनशॉट वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर है जो पीसी में चलता है, इसका ऐप जो है वो फ़ोन में अवेलेबल है, लेकिन उसमें ज़्यादा जो है वो मेहनत करने की आवश्यकता है। उसकी जगह अगर आप फ़ोन में करते हैं तो आप काइन मास्टर एज़ कम्पेयर टू दिस ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर हम पीसी में जाते हैं तो फिल्मोरा या इसके अलावा जितने भी जो है सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा जो है वो इजी टू यूज़ है और फ्री में बिल्कुल ओपन रिसोर्स जो है हमारे लिए अवेलेबल। और लगभग जितने भी आप लोगों को इंट्रो में पता चल चुका, 120+ टाइम जो है वो पब्लिश हो चुकी हैं, टेलीकास्ट हो चुकी हैं, दीक्षा पे भी और एजुकेशन पे भी, तो वो सारी की सारी जो है वो इसी में ही एडिट की हुई है मेरी। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। हम मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा स्लो चलने का प्रयास करूंगा आज। हम वीडियो कैमरा के द्वारा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जिसको स्क्रीन कास्टिंग भी हम बोलते हैं। मेरी ऑलमोस्ट वीडियो मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड की गई है और स्क्रीन रिकॉर्ड की गई, मैंने आपस में उनको मिक्स कर दिया है, वो मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा। या फिर इमेजेस को यूज करके भी हम वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं, इसका भी एक सेशन आएगा, नरेंद्र बाल्यान जी लेंगे इसका सेशन जिसको स्टॉप मोशन हम बोलते हैं। तो ये चार हमारे पास में बेसिक तरीके हैं जिनसे हम वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। एडिट कैसे कर सकते हैं? ओपन शॉट सॉफ्टवेयर के द्वारा हम एडिट कर सकते हैं जिसका आज सेशन है। पावर डायरेक्टर एक ऐप है जो हम यूज करते हैं, काफी अध्यापक साथी जो है वो यूज करते हैं पावर डायरेक्टर ऐप का वीडियो एडिटिंग के लिए। काइन मास्टर के तो आप सभी मास्टर बन चुके हैं क्योंकि आपने उसकी ट्रेनिंग ले ली है, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, लगभग सभी के सभी पेड होते हैं, उसमें बेसिक बेसिक चीजें जो है वो डाल दी जाती हैं, और जब हम उसमें थोड़ा सा अधिक करने का प्रयास करते हैं तो फिर वहां पर आ जाता है कि आप इसकी पेमेंट कीजिए। तो ये तीन चार तरीके मैंने आपको बताए हैं जिसमें हम एडिट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ओपन शॉट के बारे में आपके साथ में मैं साझा कर लेता हूँ। 2008 में ओपन शॉट जो है वो मार्केट में हमारे लिए अवेलेबल हो गया था, जो कि जोनाथन थॉमस जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे नॉर्थ टेक्सास यूएसए के, उन्होंने इसको डेवलप किया था। अवार्ड विनिंग सॉफ्टवेयर रहा है ये, और लाइनेक्स मैक या विंडोज पे हम तीनों पे ही जो है तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको यूज कर पाते हैं। लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट वर्जन जो है ओपन शॉट एडिटर का जो है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं उसकी ऑफिशियल साइट से, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ओपन शॉट कैन क्रिएट स्टनिंग वीडियोस, बहुत बढ़िया वीडियोस बनाने के काम आता है। फिल्म्स एडिटर्स इसका यूज करते हैं, एनिमेशंस क्रिएट करने के काम आता है ये, तो बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर जो है वो अवेलेबल है। अब सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पीसी के लिए। 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए इसमें, लाइनेक्स हो या फिर जो विंडोज है, विंडो 7, विंडो 8, 8.1 और विंडो 10 में जो है वो ये बहुत अच्छे ढंग से रन करता है। मल्टी कोर प्रोसेसर 64 बिट का सपोर्ट करता है, यानी आप आज के समय की बात करें या मैं कहूँ तो पिछले 10 साल के अंदर जो जो टेक्नोलॉजी के साथ में हमें पीसी अवेलेबल हुए हैं उन सभी पे बढ़िया काम करता है ये, सभी 64 बिट को सपोर्ट करते हैं। रैम की आवश्यकता पड़ती है, 4 GB रैम की जो है वो चाहिए, 500 MB की हार्ड डिस्क स्पेस जो है वो इसके लिए जरूरत पड़ती है, तो हमारे पास तो जीबी में होती है, ये तो 500 MB बहुत छोटा हो जाता है, इतना तो हम फोन में भी जो है वो हमारा डाटा अवेलेबल रहता है, खाली रहता है। फीचर्स इसके अंदर क्या क्या हैं उसका और फिर कर लेते हैं साथ के साथ। एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट करता है, अल्टीमेट ट्रैक्स इसके अंदर मिल जाते हैं, जब मैं प्रैक्टिकल वर्जन सिखाऊंगा वहां बताऊंगा कि ट्रैक्स हम किसको कहते हैं, ऑडियो ट्रैक, बैकग्राउंड वीडियोस, वाटर मार्क्स वगैरह। टाइटल एडिटर, इसके अंदर हम शुरू में आप लोगों ने देखा होगा वीडियोज में शुरू में टाइटल आता है उस वीडियो का, वो हम लगा सकते हैं बड़ी आसानी से, या फिर एजू सेट के ऊपर आपने देखा होगा एस सी आर टी का एक शुरू में पेज आता है, वो भी हम इसके अंदर आसानी से लगा देते हैं। एडिटिंग वीडियो तो इसमें है ही आसान, इसमें इमेजेस ऐड कर सकते हैं, इसमें वीडियो ऐड की जा सकती है, इसमें ऑडियो ऐड की जा सकती है। इसी आज के इसमें सेशन के अंदर आपको वो ओडेसिटी वाला महत्व भी समझ में आ जाएगा कि क्यों ओडेसिटी को इससे पहले रखा गया था। टेक्स्ट
ट्रिम कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, आप लोगों को आज समझ में आएगा। वीडियो इफेक्ट्स डाल सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन कौन से इफेक्ट्स इसके अंदर काम कर सकते हैं। मैंने एक बात शुरू में भी कही थी, अब फिर से कहता हूँ, ई कंटेंट के लिए जो जो मेन बेसिक फंक्शंस इसके अंदर हमारे लिए जरूरी हैं सीखने के लिए, मैं उनके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा। 3D एनिमेशन इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। कल या फिर परसों एक अध्यापक साथी ने कहा था वो GIF इफेक्ट्स हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और जो वीडियो की तरह चलते हुए नजर आते हैं वो भी इसके अंदर सपोर्ट होता है। मोर देन 70 लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। एनिमेशन एज की फ्रेम इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं, फेड अप, फेड इन, फेड आउट जो है हमने ओडेसिटी के अंदर जो सीखा था, इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों में काम कर देता है। बाउंस करते हुए कैसे हम पिक्चर को ला सकते हैं, इस तरह की चीजें जो है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऑडियो वेव फॉर्म्स इसके अंदर दिखाई देती हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे दिखाई देती हैं। वेव फॉर्म से हमें क्या पता चल जाता है कि कहाँ साउंड ऊंचा है, कहाँ साउंड कम है। स्लो मोशन इसके अंदर, टाइम इफेक्ट इसके अंदर हम डाल सकते हैं कि कब मेरी पिक्चर दिखाई दे और कब ऑटोमेटिकली हट जाए। सिंपल यूजर इंटरफेस है, मतलब जो जो चीजें इसके यूज करने वाली हैं वो बिल्कुल यूजर फ्रेंडली हैं, आसानी से समझ में आने वाली है। मैं साथ साथ आपके चैट मैसेज भी पढ़ता रहूंगा, ठीक है। चलिए, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बीच में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा चैट मैसेज पढ़ने की। डाउनलोड ओपन शॉट वीडियो एडिटर कहाँ करेंगे, गूगल सर्च ओपन करेंगे और ओपन शॉट वीडियो एडिटर आप लिखिएगा, और जैसे ही सर्च करेंगे तो पहली जो वेबसाइट खुलेगी openshot.org, जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, वहां डाउनलोड लिखा हुआ है, आप वहां क्लिक कीजिए और चार पांच वर्जन आपको वो दिखाएगा, उनमें से जो आपको डाउनलोड करना है कर लीजिए। अभी लेटेस्ट वर्जन इसका आ चुका है लेकिन इफेक्टिवली अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो लैब के अंदर टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद में उसको अवेलेबल कर दिया जाता है यूजर्स के लिए, फिर यूजर अपने अकॉर्डिंग जब उसको यूज करता है तो फिर उसके अंदर जो कमियां आती हैं फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर धीरे धीरे उसको रिमूव करते चले जाते हैं। देखिए, कुछ जब मैं आपके लिए, आपके सामने जब लाइव प्रैक्टिकल जो है वो इसका शुरू करूंगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो यहाँ पर आपको प्लस का नहीं साइन दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये ऐड फाइल्स के लिए है। इसके बाद में ये जो छोटी विंडो उसके जस्ट नीचे नजर आ रही है रेक्टेंगल की फॉर्म में, यहाँ पर हम फाइलें जो है वो हमारी दिखाई देंगी, सारी की सारी ट्रांजेक्शन हमारी दिखाई देंगी, इफेक्ट हमारे दिखाई देंगे। राइट साइड में ये जो छोटा सा स्क्वेयर के रूप में जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये प्रीव्यू विंडो है, हमारी वीडियो को यहाँ पर दिखाएगा वो कि कैसे चल रही है, क्या इफेक्ट इसके अंदर लग गया, क्या ठीक लग गया या नहीं लग गया, इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। उसके नीचे हम चलते हैं जहाँ एडिटिंग टूल्स लिखा हुआ है, जो एरो आ रही है, ये कुछ छोटे छोटे साइन है, प्लस का है, फिर उल्टा सी बना हुआ है, सीजर बनी हुई है, ये कुछ उल्टा स्क्वेयर बना हुआ है, ये सभी के सभी छोटे छोटे फंक्शन है। जब प्रैक्टिकल में आप लोगों को करूंगा तो फिर इन सभी के बारे में वहां बताऊंगा। फिर जो इसका एक मेन फीचर आया था कि इसमें हम ट्रैक्स ऐड कर सकते हैं, ये जो नीचे ट्रैक 5, ट्रैक 4, ट्रैक 3 लिखा हुआ है, ऐसे ही हम ट्रैक्स बहुत सारी जोड़ सकते हैं। ट्रैक क्या होता है, मान लीजिए 4 ट्रैक में मैं उन्हें ऑडियो जो है यहाँ पर अपलोड कर दिया, ट्रैक 5 में मैंने वीडियो डाल दी, ट्रैक 6 में मैंने इमेजेस डाल दी, इस प्रकार से ट्रैक जो है वो काम करते हैं। थैंक यू बलबीर जी। चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, उसका डेमो मैं आप लोगों को देता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाएगा, सिर्फ कंसंट्रेशन मेरे साथ में रखिएगा। तो डेस्कटॉप पे आ गए हैं हम, अगर आप कहें तो मैं आपको गूगल वाला भी दिखा देता हूं, वैसे तो उसमें पिक्चर में बिल्कुल क्लियर साफ दिख रहा था, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। क्रोम मैंने ओपन कर लिया, ये सर्च इंजन आ गया इसका, ओपन शॉट एडिटर आप लिखेंगे तो आ जाएगा ये देखिए बिल्कुल पहले नंबर पे जो आ गया, और यहाँ डाउनलोड्स लिखा हुआ है, आप इस पे चले जाइए सीधा, ये डाउनलोड आ गया, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है डाउनलोड वर्जन 2.6.1, ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, तो आप यहाँ से डाउनलोड इसको कर सकते हैं। 64-bit इंस्टॉलर चाहिए इसमें, वो मैंने शुरू में आपको बताया था, आज पिछले 10 साल से जितने भी PC जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं
सभी 64 बिट के ही जो है वो आ रहे हैं अवेलेबल। चलिए अब प्रैक्टिकल वर्जन पे चलते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अरुण सर अवेलेबल हैं। इस प्रकार का जो है जब हम ये सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार का आइकॉन जो है वो बन जाएगा इसका, ओपन शॉट वीडियो एडिटर का। जैसे इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जैसे मैंने आपको पीपीटी में दिखाया था वो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, सेम टू सेम। एक एक स्टेप लेके चलता हूँ। सबसे पहले फाइल मेन्यू है जिसमें न्यू प्रोजेक्ट है। जब भी कोई हम न्यू प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो हम यहाँ क्लिक करके शुरू कर सकते हैं। ओपन प्रोजेक्ट है, अगर कोई हमने प्रोजेक्ट सेव किया हुआ है इसके अंदर तो यहाँ ओपन करेंगे तो हम उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ओपन कर सकते हैं, जैसे वर्ड वाली फाइल में या प्रेजेंटेशन वाली फाइल में या एक्सेल वाली फाइल में करते हैं सेम। रीसेंट प्रोजेक्ट में जाएंगे तो जो जो पहले प्रोजेक्ट जो किए हुए हैं लास्ट 10 वो यहाँ पर आपको शो कर देगा, आप डायरेक्टली भी यहाँ से शुरू कर सकते हैं। सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो जो करंट में जो प्रोजेक्ट चल रहा होगा उसको सेव कर लेगा। सेव एज प्रोजेक्ट करेंगे तो नया नाम हम उसको दे सकते हैं, सेम फीचर्स ऊपर वाले वर्ड वाले हैं। इम्पोर्ट, ये प्लस वाला साइन है, इम्पोर्ट करेंगे तो फाइल को हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। देखिए ये पूछ रहा है कहाँ आपकी फाइल रखी हुई है, इम्पोर्ट का मतलब ऐड करनी है यहाँ पे हमें फाइल। चूज प्रोफाइल आपको करना है तो मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ साथ के साथ। ये जो प्रोफाइल है हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, मैंने बाय डिफॉल्ट इसका साइज मोबाइल 360p रखा हुआ है, छोटा साइज है ये, आप इसको यहाँ से जैसा चाहें चेंज कर सकते हैं। जब हम HD जहां जहां लिखा हुआ है वहां पर HD की फॉर्म में ये सारे के सारे प्रीव्यू दिखाएगा, तो बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। ये देखिए अनलिमिटेड ऑप्शन की तरह दे रखे हैं इसने, 4K के रूप में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और DVD की फॉर्म में कर सकते हैं। DVD तो चलो गया जमाना हो गया, अब तो हम मेनली क्या लेते हैं ST1080 हम लेके चलते हैं, जो कि हाई डेफिनेशन बहुत बढ़िया जो है वो रिजोल्यूशन के अंदर हम वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, मैं फिलहाल मोबाइल 360 रखता हूँ इसको। फिर उसके बाद में एक्सपोर्ट वीडियो, एक्सपोर्ट पे करेंगे तो जो हमने इस पे वीडियो एडिटिंग का काम कर लिया तो एक्सपोर्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो सेव होनी शुरू हो जाएगी, क्विट करेंगे तो ये बाहर निकल जाएंगे। सेकंड वाले ऑप्शन पे चलते हैं, सेकंड वाले ऑप्शन पे चलते हैं एडिट। इसमें अंडू रीडू सेम वही कमांड है, सेम टू सेम, कंट्रोल जेड कंट्रोल एक्स। क्लियर हिस्ट्री करेंगे तो इसकी हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, जो भी रिसेंट प्रोजेक्ट है सब खत्म हो जाएंगे। प्रेफरेंस के अंदर आपको कोई भी चीज छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट जैसा है उसको वैसा ही रहने दें। अपनी तरफ से ओपन शॉट सॉफ्टवेयर वालों ने बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन करके इसको डिजाइन किया हुआ है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। ऑटो सेव का ऑप्शन इन्होंने खुद किया हुआ है, हर 3 मिनट के बाद में अपने आप सेव हो जाता है। आप इसको कम करना चाहें आप कम कर सकते हैं, ज्यादा करना चाहें ज्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल। कैशे मेमोरी पड़ी रहने दीजिए, जितनी ज्यादा कैशे मेमोरी होगी उतना ही स्पीडली ये वर्क करेगा। ये इसके अलावा और कोई भी ये शॉर्ट कमांड्स हैं इनको छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट जैसा है इसको वैसा ही रहने दीजिए। टाइटल वाला जब मैं वीडियो एडिट करूंगा तब मैं इसका फंक्शन बताऊंगा कि कैसे टाइटल क्रिएट करते हैं। व्यू के अंदर जो है वो फुल स्क्रीन कर सकते हैं हम, अब आपको फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है, वापस उसी में आ जाते हैं, फुल स्क्रीन से एडिट एग्जिट हो जाते हैं तो ऐसा दिखाई देगा। उसके नीचे चलते हैं, यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट फाइल लिखा हुआ है, ये जो बड़ा सा बॉक्स है लेफ्ट साइड में स्क्वेयर बॉक्स, यहाँ पर जो फाइलें हम एडिट के लिए ऐड करेंगे वो सारी की सारी यहाँ शो होंगी। मैं साथ के साथ एडिट ऐड करके चलता हूँ। तो ऐड करने के यहाँ पर हमारे पास में 3 तरीके हैं, या तो यहाँ पर ये जो प्लस का निशान दिखाई दे रहा है आप यहाँ से क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, या फिर फाइल में जाके ये जो इंपोर्ट फाइल का है यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या फिर तीसरा तरीका जो है इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, ऐसे शॉर्ट कर लेता हूँ और जहां मेरी फाइल रखी होगी वहां से मैं इस पे ड्रैग कर लूंगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ,
आपको दिखा देता हूँ एक वीडियो एडिट करने में कितनी सारी फाइलों की जरूरत पड़ सकती है। देखिए ये जितने भी आपको अभी फाइलें दिखा रही हैं ये सभी की सभी एक ही वीडियो में अटैच की हुई हैं। जहां जहां जिस जिस इमेज का जिक्र हुआ वहां वहां मैंने उसका यूज किया। जैसे कि इन्वायरमेंट चेंज के लिए जहां पर इन्वायरमेंट चेंज की बात आई तो मैंने ये पिक्चर वहां वीडियो में लगाई हुई है, या फिर पोल्यूशन की अगर बात चली तो मैंने पोल्यूशन की ये इमेज जो है वहां पर पुट की हुई है। ये सारी जितनी भी इमेजेस मैंने डाउनलोड कर रखी हैं ये सभी आप लोगों को मैंने सिखाई थी। आप कहाँ से कॉपीराइट फ्री इमेजेस जो है वो ढूंढ सकते हैं। चलिए तो मैं यहाँ से एक फाइल ऐड कर लेता हूँ, कोई भी वीडियो फाइल नॉट फाइनल वाली कर लेता हूँ मैं। इस प्रकार से भी आप ट्रैक करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इमेज ऐड करना चाहें इमेज ऐड हो जाएगी यहाँ पे। एक ऑडियो फाइल और थी इसमें ऑडियो फाइल ऐड करना चाहें ऑडियो फाइल ऐड हो जाएगी। तो ये तीनों चीजें मैं आप लोगों को इसके साथ में जोड़ के दिखाता हूँ। चलिए अब उसके अंदर जो है वो ये एक और जो है ये छोटी छोटी लाइनें आपको डॉट डॉट दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर भी दिखाई दे रही हैं। इसको पकड़ के हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पर भी है ये ऐसे छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है चलिए अब ट्रैक्स का जिक्र उसमें चला था, कुछ ट्रैक्स होती हैं ये यहाँ पर ट्रैक्स दिखाई दे रही हैं, ट्रैक 5 ट्रैक 4 ट्रैक 3 ट्रैक 2 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो जब तक हम इस ट्रैक में किसी भी फाइल को ऐड नहीं करेंगे हम उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस फाइल में ऐड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये वाली वीडियो फाइल है आप इसको पकड़िए और इसके ऊपर इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए प्रीव्यू भी अवेलेबल हो गया और ये फाइल भी ऐड हो गई। ये इमेज भी मुझे चाहिए, ये मान लीजिए ऑडियो भी मुझे चाहिए। पहले बेसिक बेसिक चीजों पे चलते हैं फिर इनको ऐड करते हैं। आप प्रीव्यू देख पा रहे हैं, मैं इसको रन करता हूँ। आप लोग इतना तो अब तक समझ गए होंगे कि कोई भी पीसी कोई भी सिस्टम दो जगह से आवाज इनपुट आउटपुट नहीं करने में अपने आप को समर्थ पाता। तो मेरी आवाज आप जूम के थ्रू सुन रहे हैं तो वीडियो की आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है तो आप लोगों ने देखा ये मैंने थोड़ी सी रन करके दिखाई है आपको, और यहाँ पर जो ये नीचे ट्रैक है ये भी ऑटोमेटिकली जो है वो इसके साथ साथ चलता रहता है। प्रीव्यू इसलिए दिखाया जा रहा है यहाँ पर ताकि कोई भी एडिटिंग आप करें तो यहाँ पर आप प्रीव्यू देख लें, नहीं अगर प्रीव्यू होगा तो आप उस फाइल को सेव कर लेंगे, उसके बाद उसको रन करेंगे तो कोई फिर देखेंगे फिर दोबारा एडिट करनी पड़ेगी। तो इसलिए साथ के साथ ये प्रीव्यू दिखाता है, ये एक इसका बढ़िया ऑप्शन है। चलिए अब ये वाले छोटे ऑप्शन जो है ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये प्लस वाला साइन जो है ये ट्रैक को ऐड करने के लिए है। मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, यहाँ से सीधा पकड़िए और यहाँ ऐड कर दीजिए, आसान वाला तरीका। ये जो साइड में उल्टा सी बना हुआ है ये मैग्नेट है, चुंबक क्या काम आएगा मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। देखिए मान लीजिए दो चीजें मुझे जोड़नी है इसके अंदर, अगर ये मैग्नेट जो है वो जो है अनेबल होगा, बाय डिफॉल्ट ऐसा हो सकता है, ये आपको इसको टिक करके इसको अनेबल कर लेना, तो क्या होगा ये इसके साथ में मुझे इस वाली फाइल को जोड़ना है तो इसके साथ चिपक जाएगा, ये ऐसे ऐसे चिपक जाएगा, इसको छोड़ देंगे इसके साथ में अटैच हो जाएगा। तो ये आपको हमेशा अनेबल रखना है, ये आपकी सबसे ज्यादा मदद करेगा जब आप किसी भी वीडियो की कटिंग करेंगे या कोई भी नई चीज उस वीडियो में ऐड करें। इसके बाद में ये सीजर बना हुआ है, ये कटिंग के लिए है, रेजर टूल। मान लीजिए आपको यहाँ पे इसको कट करना है, यहाँ पर कोई इमेज आपको डालनी है, यहाँ पे कट करना है आपको, तो आप क्या करेंगे इस सीजर को पकड़ेंगे ऐसे, और जहां पे भी कट करना है मान लीजिए यहाँ कट करना है आप यहाँ पर आकर इसको लाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे, ये आपको कट कर देगा। आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे ही आप कट करें आप सीजर पे दोबारा क्लिक करके इसको जो है वो अनेबल इसका खत्म कर दें। अब देखिए यहाँ से इसने इसके हिस्से कर दिए। मैं इसका और भी तरीका आपको बताऊंगा, एक ही तरीके में आपको नहीं रखूंगा। फिर इसके साथ में ये जो उल्टा जो स्क्वेयर ये बना हुआ है ट्रायंगल, ये एड मार्कर है। मान लीजिए मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा हूँ और मुझे लगा कि यहाँ से और यहाँ तक मुझे इसको एडिट करना है, तो बार बार इस चीज को वापस जाके ना सुनना पड़े तो आप मार्कर जो है इस काम आता है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्लू कलर का मार्कर जो है ऐड हो गया।
काम क्या आएगा मैं बताता हूँ। तो यहाँ ऐड किया मतलब यहाँ से मैंने उसको रिमूव करना है चीज को, और मान लीजिए यहाँ तक जो है मेरा वीडियो सही नहीं बना, बीच में डिस्टरबेंस ज्यादा थी, तो एक मार्कर और ऐड कर देता हूँ। देखिए अब दो मार्कर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये मेरी याद के लिए है, मेरी उसके लिए है कि इसके बीच वाला जो है पोर्शन मेरे को खत्म करना है, एडिट करना है। अब देखिए इसका फायदा, यहाँ पर ये के बना हुआ है प्रीवियस मार्कर के लिए है, ये उल्टा के बना हुआ है ये नेक्स्ट मार्कर के लिए है। अब देखिए अब इसके बीच में मुझे परफेक्ट यहाँ पर लेके जाना है जहां मैंने मार्कर फिट किया था, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, प्रीवियस मार्कर पे चला गया। अब यहाँ से मुझे कट करना है, कट कर देंगे हम सीजर रेजर वाला टूल यूज करके, नेक्स्ट मार्कर पे जाना है, नेक्स्ट मार्कर पे चला गया। ये इसका सबसे बड़ा एक फायदा है, आप एडिट करते चले, मार्कर लगाते चले, जो हिस्सा आपको हटाना है आप यहाँ से हटा सकते हैं ऐसे। फिर इसके साथ में ये प्लस का निशान है, और यहीं दूर चले तो माइनस का है, ये इस ट्रैक को छोटा बड़ा करने के काम आएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप प्लस का निशान लगाएंगे तो देखिए ये ट्रैक जो है काफी बड़ी हो गई। नॉर्मली ट्रैक बड़ी कर कर ही हम एडिटिंग करते हैं, इससे जो है ये पोर्शन जो है वो सेकेंडों में बढ़ जाता है, जो हमारी वीडियो है सेकेंडों में बटेगा तो कटिंग करने में एडिटिंग करने में बहुत आसानी होगी। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, देखिए माइनस करता हूँ तो ये छोटे होते चले गए, तो जितना छोटा होगा वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और मिनट्स में जब हम करेंगे तो उसको एडिट करने में हमें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं इसको वापस कर देता हूँ, देखिए अब आसान है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फंक्शंस मैं आने आपको बता दिए यहाँ पर, जो यहाँ पर ये अवेलेबल है, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। मान लीजिए ट्रैक खत्म हो जाती है तो मैं यहाँ से ऐड ट्रैक इसके ऊपर ऐड करनी है तो ऊपर ऐड हो जाएगी, देखिए ऊपर आ गई। इसके रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, इसके नीचे ट्रैक ऐड करनी है तो नीचे ऐड हो जाएगी, ये देखिए ये छठा नंबर हो गया इसका ट्रैक का, और ये पांचवी आ गई। रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, ट्रैक का नाम चेंज करना चाहें नेम कर सकते हैं, लॉक करना चाहें लॉक कर दीजिए, लॉक करेंगे तो ऊपर नीचे इसके ऐड नहीं होंगी, इसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी नीचे वाले तीनों ट्रैक्स की। तो ये अब आपको मैं कटिंग करने सिखाता हूँ इसकी। मान लीजिए इस वाले हिस्से का मुझे कटिंग करना है, इसको साइड कर देता हूँ, इस वाले हिस्से का जो बिल्कुल स्टार्टिंग में है। एक तो ये वाला रेजर वाला टूल है, इसकी हम हेल्प ले सकते हैं, ये वाले जो बटन है आगे पीछे करने के लिए है, ये जो बिल्कुल कॉर्नर पे है ये स्टार्टिंग में ले जाएगा इसको कर्सर को, ये वाला धीरे धीरे लेके जाएगा, ये प्ले के लिए है, ये फास्ट फॉरवर्ड के लिए है, ये बिल्कुल एंड में ले जाने के लिए है, ठीक है। तो सिर्फ इस वाले पोर्शन में आपको दिखाता हूँ कि कटिंग कैसे करते हैं, रन करता हूं फिर कट करता हूं। मान लीजिए ये शुरू वाला हिस्सा मुझे काटना था, फिर से दिखाता हूं, जहां पर ये आपको फ्लैशबैक एंड फीचर्स दिखाई दे रहा है, मान लीजिए मुझे इसी को कट करना है यहां तक बस, तो कट करते हैं। उसके मैंने आपको एक तरीका तो ये रेजर टूल वाला सिखाया था, आप इसको रेजर टूल को अनेबल कीजिए और यहां पर लाकर एक बार क्लिक कर दीजिए तो ये दो हिस्से हो गए, और वापस इस रेजर को क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं करेंगे तो सारों के हिस्से कर देगा ये धीरे धीरे। दूसरा तरीका आपको सिखाता हूँ जो अक्सर मैं यूज करता रहता हूँ, बिल्कुल आसान है। शुरुआत में लेके चलते हैं और इसको रन करते हैं, मान लीजिए यहाँ कटिंग करनी है मुझे, तो इस वाले वीडियो पार्ट की मुझे एडिटिंग करनी है, पहले इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये रेड हो जाएगा, देखिए रेड पोर्शन हो गए इसके, शुरू वाले और लास्ट वाले इसके नहीं है, इधर वाले के ये ब्लू हैं सेकंड वाले पोर्शन के। देखिए जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इसके पोर्शन भी बैक और फ्रंट रेड हो जाते हैं, हमें इसको एडिट करना है, मैं इस पे टिक करता हूँ, अब इसके बैक फ्रंट एडिट है, इसके ऊपर सारे के सारे फंक्शन जो है वो वर्क कर। राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर स्लाइस लिखा हुआ है, स्लाइस पे जैसे ही हम जाते हैं तो तीन ऑप्शन अनेबल कर देता है, कीप बोथ साइड, कीप लेफ्ट साइड, कीप राइट साइड। तो हमें तो लेफ्ट साइड इसकी रिमूव करनी है, राइट साइड रखनी है, तो कीप राइट साइड में कर देता हूं और ये उसके शुरू वाले पोर्शन को गायब कर देता है। फिर से करके दिखाता हूं, अंडू और रीडू इसमें ऑप्शन चलते हैं, मैंने आपको बताया था। मान लीजिए यहां आके मुझे इसका लेफ्ट साइड जो है मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहां से हटाना है और मुझे सिर्फ इसका राइट वाला साइड चाहिए, ये वाला राइट साइड, तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, स्लाइस पे जाता हूँ और कीप राइट साइड पे टिक कर देता हूँ, लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया इसे। तो मैंने आपको वीडियो कट करने के दो तरीके आपको बताए। अब मान लीजिए शुरुआत से रन करता हूं इसको,
ये वाला मान लीजिए यहां से लेकर और यहां तक जहां पर 0.0010 इसके बीच वाला हिस्सा मुझे रिमूव करना है, शुरू वाला भी मुझे रखना है और इसके बाद वाला भी हिस्सा मुझे रखना है, बीच वाला रिमूव करना है। तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूं। पहला तो यहां से शुरू करना है मुझे स्लाइस करना, कीप बोथ साइड में कर लूंगा यानी कि दोनों हिस्से मुझे चाहिए। अब इसने दो हिस्से इसके कन्वर्ट कर दिए। अब यहां से मुझे इसको शुरू करना है यानी कि ये वाला जो हिस्सा इसमें बच गया इसको मैंने हटाना है। तो वही तरीका है, राइट क्लिक करके स्लाइस में जाएंगे और कीप राइट साइड में रख लूंगा। अब देखिए बीच वाला हिस्सा इसका चला गया। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है तो मैं इसको पकड़ूंगा और इसके पास लाके छोड़ दूंगा। छोड़ने से क्या होगा, जो मैग्नेट इफेक्ट हमने इसके ऊपर रखा हुआ है ऑटोमेटिकली इन दोनों पोर्शंस को आपस में जोड़ देगा। चलिए रन करके दिखाता हूँ कैसा दिखता है। अब देखिए अब वो वाला हिस्सा जो है वो गायब हो गया इसमें से। कोई अभी तक कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी सदस्य पूछना चाहे तो। मैं पढ़ लेता हूँ मैसेज। ठीक है, कोई क्वेरी नहीं, ठीक है आगे सर चलते। फोन में पूछ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स कि फोन में ये ओपन शॉट नाम से यही मिलेगा या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर मिलेगा? फोन में ओपन शॉट के नाम से है अरुण जी, लेकिन एज कंपेयर टू काइन मास्टर और पावर डायरेक्टर उनके कंपेयर में थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, इसीलिए जी कि जी प्रेफर ये रहेगा कि कंप्यूटर में ही करें। हाँ, ये कंप्यूटर के लिए बेस्ट है। जी, थैंक यू सर। हेलो हेलो बोलिए सर। जी सर नमस्कार सर, ये ना इसके अंदर जो आपने जो ऊपर वाला फॉरवर्ड और बैकवर्ड के पीछे व्हाइट सा जो इसमें दिखा रखा साइन सा, जी ये इसमें मैंने डाउनलोड किया, इसमें है नहीं, इसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का है, ग्रीन लाइन और रेड लाइन ऐसे दिखा रखी है, तो कैसे आपने इसको आपने करें? आपने आपने पीसी में किया है ना डाउनलोड? हाँ जी डाउनलोड कर रखा, हाँ हाँ सामने रखा ठीक हुआ है है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जो जो हमें आपको डाउनलोड करना बताया था 2.6.1, हाँ कर आपने लिया सर लेट हाँ डाउनलोड हाँ सुनिए, वो लेटेस्ट। लेटेस्ट वर्जन है। मैं जो अच्छा आप लोगों को दिखा रहा हूँ उससे पहले वाला वर्जन है। ठीक ओके ओके है, सर, आप ये है लोग फिर। कॉर्नर पे राइट साइड में देख रहे होंगे अपडेट अवेलेबल लिखा हुआ है, हाँ जी हाँ, आपके में नहीं लिखा होगा। नहीं लिखा हुआ हाँ इसीलिए ठीक है, क्योंकि मैंने ठीक अभी लेटेस्ट वर्जन मैंने आपको बताया कि उसमें अभी थोड़ी कमियां हैं, मैंने ठीक उसको है जी, यूज करके ठीक देखा है। मैं इसका ना इस वाले सॉफ्टवेयर का आपको लिंक भेज दूंगा, ओके सर, ठीक है, ओके क्योंकि सर, लेटेस्ट आया उसमें बहुत सारे फंक्शन ऐड किए हैं लेकिन अभी वो परफेक्टली काम नहीं कर रहा, तो इसलिए उससे पहले वाला वर्जन हम अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है सर, जी एक चैट में थैंक यू मैसेज आया सर। हुआ था, वेलकम सर, कि सर अंडू अंडू। ऑप्शन ये बोला गया है। जी हाँ जी 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 हाँ जी, अंडू के लिए जैसे हम वर्ड में अंडू करते हैं एमएस वर्ड में, सेम वही फंक्शन काम करते हैं इसके अंदर। आप कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो अंडू हो जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, आप मोमेंट जो है वो चेक कर पा रहे होंगे। ये देखिए बिल्कुल वर्ड डिटेल वाला है, कंट्रोल प्लस में जेड। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने कुछ इसके पार्ट करके दिखाए आपको, फिर से एक बार दिखाता हूँ, बहुत ही आसान है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस पर राइट क्लिक कर लीजिए इस पोर्शन के अंदर, जिसको भी आप एडिट करना चाहते हैं। कंडीशन यही है कि सबसे पहले आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सेलेक्ट का जो है वो क्या तरीका है, ये इसके जो है बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों रेड कलर के हो जाएंगे, इट मीन्स ये सेलेक्ट हो गए। अब ये वाला जो कर्सर है जो आप लोगों को हिलता हुआ नजर आ रहा है, ये जहां होगा वहां से इफेक्ट उसके ऊपर आएगा। मान लीजिए यहाँ पर है बिल्कुल सेंटर में, और मैं यहाँ राइट क्लिक करके स्लाइस करता हूँ, इसका कीप बोथ साइड करता हूँ, तो ये इसके परफेक्ट दो हिस्से कर देगा। देखिए ठीक है, या फिर दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था अंडू वाले जो है, थोड़ी जो क्वेरी आई है, कंट्रोल प्लस में जेड में कर रहा हूँ, आप देखिएगा ये वापस वैसा ही हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए फिर से कंप्लीट वीडियो बन गई। सॉरी, ये आप जब तक अंडू कर सकते हैं, जब तक आप इसको क्लोज नहीं करते तब तक अंडू ये काम करता रहेगा, लेकिन जब काफी सारी एडिटिंग हम कर देते हैं तो फिर अंडू आप बचें उस अंडू से, क्योंकि पिछली आपकी सारी एडिटिंग को खराब कर देगा वो। तो कोशिश करें एक पार्ट आपने एडिट कर लिया तो उसी को पहले एक बार फाइनलाइज करके देख लें, फिर उसके बाद अगले पार्ट पे बढ़ें।
चलिए अगले फंक्शन पे चलते हैं। अब मैं आपको इमेज ऐड करने सिखाता हूँ। जैसे एससीआरटी के ये इमेज है, हमें एससीआरटी बोलती है कि आप इमेज करिए, इसको आगे पीछे क्या करना है, आप इसको पकड़ लीजिए और आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं। मैंने ये कर दिया, इमेज ऐड करके दिखाता हूँ आपको। अब शुरुआत में इमेज चाहिए, एससीआरटी हमसे डिमांड करती है, तो मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को उठाता हूँ और यहाँ छोड़ देता हूँ इसको बिल्कुल स्टार्टिंग। और ये जो ब्लू कलर का हो गया है छोटा सा, इसका बहुत बढ़िया इफेक्ट आपको नजर आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ रन करके। अब इमेज आपको दिख रही है, ऐड हो गई है। अब देखिए शुरू में ऐसे वीडियो चलेगी आपकी, फिर मैं इमेज दिखाई देगी, इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ अभी, अब देखिएगा इफेक्ट। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं फिर से दिखाता हूँ, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस इफेक्ट को इतना बड़ा करता हूँ फिर दिखाता हूँ, देखिएगा। देखा आपने, उसकी विजिबिलिटी को कम कर दिया और हमारी वीडियो की विजिबिलिटी को उसने बढ़ा दिया। फिर से देखिए, क्योंकि यही कुछ ऐसे फंक्शन है जो हमें बार बार यूज करने हैं। मेरे ख्याल से सभी साथी इस इफेक्ट को समझ गए होंगे। अच्छा, इमेज को छोटा बड़ा करना दिखाता हूं मैं आपको। मान लीजिए इस इफेक्ट को आपको हटाना है, तो इसको सेलेक्ट करके आप डिलीट वाला बटन प्रेस करिए तो ये हट जाएगा। अब इमेज को छोटा बड़ा करना है तो वही तीन चार तरीके हैं हमारे पास में। कटिंग वाला तो सेम है, आप राइट क्लिक करके स्लाइस करके कर सकते हैं कि बोथ साइड रखना चाहे बोथ साइड, लेफ्ट रखना चाहे लेफ्ट, राइट रखना चाहे राइट। नहीं तो इमेज के लिए तो यहाँ वाला कॉर्नर पकड़ के भी इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। ये देखिए, जितना करना चाहे उतना कर लीजिए। नॉर्मली जब आप एससीआरटी के लिए ई कंटेंट की वीडियो तैयार करेंगे तो आप 5 से 6 सेकंड की इस इमेज को रखिएगा स्टार्टिंग में। उसके साथ में हम इसको वीडियो को इसको अटैच कर देंगे, फिर इस वीडियो को अटैच कर देंगे। अब चलाकर देख लेते हैं इसको। शुरू में 5 सेकंड इमेज चलेगी, उसके बाद में हमारी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ओडेसिटी वाला मैं आपको बताता हूँ, जहां हमने अपनी वॉइस को एडिट किया था। अब वो वाली वॉइस मुझे यहाँ पर ऐड करनी है, तो जैसे मैंने ये वॉइस यहाँ पर ऐड कर रखी है, ये ओडेसिटी से इम्प्रूव की हुई वॉइस है, लेकिन वीडियो के अंदर अभी भी उसकी ओरिजिनल वॉइस है जिसमें काफी सारा साउंड अवेलेबल है। अब उसकी जगह पर मैं ये एडिट की हुई ओडेसिटी से एडिट की हुई वॉइस यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए इस पोर्शन की आपको वॉइस कम हटानी है, तो राइट क्लिक करते हैं, सेपरेट ऑडियो में जाते हैं और सिंगल क्लिक ऑल चैनल पे टिक कर देते हैं। थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन अब देखिए इसके दो पार्ट इसने कर दिए अपने आप ही। जो ऊपर वाला हिस्सा ट्रैक 5 में आपको दिखाई दे रहा है वो साउंडलेस हो गया है, उसमें कोई वॉइस नहीं है, लेकिन वीडियो है उसके अंदर। और जो ये नीचे वाला हिस्सा जिसको सेव कर रहा है ट्रैक नंबर 4 पे जहां ऑल चैनल लिखा हुआ है, ये इसका ऑडियो है। तो अभी थोड़ा सा सेव होने में थोड़ा टाइम लेगा ये, क्योंकि हमारा पीसी कई सारी चीजों को इकट्ठे मैनेज कर रहा है। तो जैसे ही ये यहाँ से रिमूव, जो सर्चिंग वाला ये ऑप्शन जो सर्कल में घूम रहा है, जैसे ही ये रिमूव होगा, जैसे हो गया अब रिमूव, तो एक उसमें और ऑप्शन आया था जो मैंने फीचर्स बताए थे, वेव्स दिखाता है ये साउंड के, ये वेव्स हैं ये वाले। ये जो शुरू में है ये बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पर आप नहीं बोल रहे हैं, जहां पर ये वेव अप डाउन हो रहे हैं यहाँ पर आपका साउंड है। इसको भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल ये जो हमने अपनी वीडियो में से जो साउंड अच्छा नहीं था हमने यहाँ से रिमूव किया, और मैं इस ट्रैक पर से इसको कर देता हूँ डिलीट। डिलीट के लिए मैं डिलीट वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ, हट गई। अब ये वाला जो इम्प्रूव्ड साउंड था इसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर ट्रैक में, ठीक है। अब वो जो हमने मैग्नेट वाला इफेक्ट डाला हुआ था उसकी वजह से ये अपने आप सेट करता है अपने आप को। स्टार्टिंग से डालनी है मुझे वीडियो के, तो देखिएगा अपने आप रुकता है ये, जब आप करेंगे तो आपको भी महसूस होगा, मैं नहीं रोक रहा इसको, ये अपने आप रुकता है वहां जाकर, ठीक है। तो अब ये इसके अंदर ऐड हो गया। अभी साउंड तो खैर आप नहीं सुन पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार रन कर देता हूँ। तो क्या हुआ कि हमने अपनी वीडियो में वो जो ओडेसिटी में हमने साउंड के अंदर एडिटिंग की थी वो इस प्रकार से हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे। अब क्या था वो कि मान लीजिए आपके वीडियो में साउंड ज्यादा है, मतलब थोड़ा सा, कई बार क्या होता है कि हम हेडफोन लगा के जब उस वीडियो को हम रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ, कई बार क्या होता है कि जो माइक हमारा होता है उससे ज्यादा नजदीक आ जाता है हमारा, तो साउंड ज्यादा
उसमें रिकॉर्ड हो जाती है, कई बार ये जो है दूर रह जाता है तो साउंड कम आती है, तो मैं उसका इफेक्ट आप लोगों को दिखाता हूँ। ये ट्रैक नंबर 4 में जो ये है, ये हमारी ऑडियो वाली फाइल है, इस पर राइट क्लिक करता हूँ और वॉल्यूम पे जाता हूँ। वॉल्यूम पे जाता हूँ तो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं रीसेट वॉल्यूम। रीसेट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ये ठीक कर देगा, मतलब ठीक का मतलब कम ज्यादा कैलकुलेट करके कर देगा। स्टार्टिंग क्लिप में कम करना है तो जैसे ओडेसिटी में प्रदीप सर ने हमें बड़े अच्छे से फेड इन फेड आउट सिखाया था, तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि शुरू में जो है आवाज कम आए और फिर धीरे धीरे बढ़ती चली जाए और लास्ट में जाके कम होती चली जाए। तो ये स्टार्ट ऑफ क्लिप है, तो यहाँ से अगर मैं शुरू में स्लो करूंगा तो शुरू में तो स्लो आएगी लेकिन एंड में फुल वॉल्यूम ही रखेगा क्योंकि मैंने स्टार्ट में किया। सेकंड है एंड ऑफ द क्लिप, तो एंड में करना चाहे तो फेड आउट स्लो कर दीजिए तो लास्ट में जाके स्लो हो जाएगा। एंटायर क्लिप में आप करना चाहें तो फेड इन फेड आउट इकट्ठा कर दीजिए तो शुरू में अपने आप कम रखेगा, लास्ट में जाके अपने आप उसको कम कर देगा। अब वॉल्यूम कम ज्यादा करना है तो यहाँ देखिए लेवल 100% करना है। अगर वॉल्यूम कम है आपका उस वीडियो में तो आप यहाँ से लेवल 100% कीजिए, पहले रीसेट कीजिएगा फिर सुनिएगा। अगर बाय डिफॉल्ट आपको फिर भी कम लगती है तो यहाँ से लेवल आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए कम करना है लेवल तो आप डाउन में चली जाइए, ज्यादा करना है तो आप अप में चले जाइए। बाय डिफॉल्ट नियर टू 70-60% इसका वॉल्यूम रहता है, मैंने कई बार इसको टेस्ट किया है। तो ये फेड इन फेड आउट वाला इसका ऑप्शन है जो ऑडियो में हम यूज करते हैं। अब कुछ इसके अंदर इफेक्ट्स में आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पर बीच के अंदर बीच में कोई इमेज ऐड करनी है तो मैं कैसे करूं इसको। अब ऑडियो वीडियो में से साउंड लेस करने का बहुत बड़ा ये बेनिफिट अब आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों मैं वीडियो में से साउंड हटा के उस साउंड को अलग कर लूं उससे। मान लीजिए यहां कहीं जाकर आपको आपने कोई एग्जांपल दिया है, यहां पर जाकर जहां पर 20 सेकंड लिखा हुआ है, अगर आप यहां पर इमेज ऐड करना चाहते हैं और वीडियो में आपके साउंड है तो आप उसको कट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने वीडियो में से साउंड अलग कर लिया, जैसे फिलहाल हमने एग्जाम्पल में किया हुआ है, और यहाँ मान लो मैंने कोई एग्जाम्पल बोला और यहाँ मैं इमेज ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से इस वाले हिस्से को कट करूंगा लेकिन साउंड एज इट इज चलती रहेगी। जैसे साइंस वाले अध्यापक हैं या मैं कॉमर्स वाला हूँ, मान लीजिए मैं बिजनेस रिस्क या बैंकिंग के बारे में बता रहा हूँ और बच्चों को मैंने कहा कि बहुत सारे जो प्लास्टिक मनी होती है जैसे कि डेबिट कार्ड, जैसे ही मैं बोलूंगा डेबिट कार्ड तो बच्चों को स्क्रीन पर डेबिट कार्ड नजर आ जाएगा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, तो जैसे ही मैं बोलूंगा क्रेडिट कार्ड ऑटोमेटिकली वीडियो में, ऑटोमेटिकली तो नहीं वो एडिट हम करेंगे, तो वो डेबिट कार्ड नजर आएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये वीडियो मैंने रन की, मान लीजिए यहां पर मैंने बोला जैसे कि क्रेडिट कार्ड फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इमेज मैं दूसरी लगाऊंगा तो आप सिर्फ एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा। यहां मैंने किया, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, जो आपको आसान लगे आप वो कर लीजिएगा। यहाँ आप सीजर का यूज कर सकते हैं, रेजर टूल का, यहाँ मार्कर लगा सकते हैं आप, जो भी आपको पसंद आए। मैं थोड़ा सा उससे ज्यादा आगे वाली चीज आपको सिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ आपको ऐड करना है, आप राइट क्लिक कीजिए, स्लाइस पे जाइए, कीप बोथ साइड पे करिए आप। अब यहां से दो हिस्से हो गए और एग्जाम्पल मान लो यहीं से शुरू हुआ है, जैसे कि एनवायरमेंट चेंज, मान लीजिए मैंने बोला जैसे कि, यहां पर मैंने रोका इसको जैसे कि, अब मैं बोल रहा हूं एनवायरमेंट चेंज, तो मान लीजिए एनवायरमेंट चेंज यहां आगे खत्म हुआ है एनवायरमेंट चेंज, तो मैं फिर से इसको कट करता हूं, सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्लाइस करता हूं। अब करता हूं मैं कीप राइट साइड, जो राइट साइड वाला हिस्सा है वो मुझे रखना है, बिटवीन वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बीच में गैप हो गया, अब ऑडियो में गैप नहीं हुआ है, आप ट्रैक नंबर 4 में देखिए पूरी की पूरी ऑडियो फाइल इकट्ठी है लेकिन वहां से वो पिक्चर खत्म हो गई। मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ, यहाँ हमारी वीडियो चल रही है, यहाँ आके ब्लैंक आ गया, यहाँ आके फिर से वीडियो आ गई मेरी। तो यहाँ अब मैं एक इमेज ऐड कर देता हूँ, मैंने एनवायरमेंट चेंज का किया तो मैं एनवायरमेंट चेंज ही ऐड कर देता हूँ। यहाँ मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी एनवायरमेंट चेंज की, उसी को ऐड कर लेते हैं, ये वाले। आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं अपनी पिक्चर को, किसी भी पिक्चर को, या फिर प्लस वाले निशान से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो कीजिए।
अब ये इन्वायरमेंट चेंज वाली पिक्चर मैं पकड़ता हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि बिना ट्रैक में ऐड किए ये काम नहीं करेगा, तो मैं इसको लेके आता हूँ जहां मैंने इसको ऐड करना है वहां कीजिए। अब आप अगर आपका मैग्नेटिक वाला होगा तो यहाँ इसको पकड़ लेगा, ये देखिए यहाँ पकड़ लिया इसको। अब जो ये ब्लू ब्लू कलर का होता है ना, ये बाई डिफॉल्ट इफेक्ट आता है, आप इसको हटा भी सकते हैं, आप इसको रख भी सकते हैं। मैं पहले रखने वाला आपको इसका बेनिफिट दिखाता हूँ, फिर हटा के दिखाता हूँ इसको। ये पूरा का पूरा इफेक्ट है, हम इस इफेक्ट को छोटा कर सकते हैं, इसके कॉर्नर पे पकड़ के और यहाँ ले आइए, इसको इतना रखते हैं। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। मेरे ख्याल से आप देख पाए होंगे इस इमेज का हुआ क्या, कहने का मतलब जब मैं यहाँ पर था तो मैं बच्चों को बोल रहा हूँ कि जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, बहुत सूखा आ रहा है, कहीं जगह बहुत बारिश आ रही है, वहां पर बच्चों को एग्जाम्पल भी दिख गया और मेरी वीडियो भी कंटिन्यू चलती रही। तो ये बीच में इमेज जो है वो बीच में ऐड करने का एक फायदा होता है। मैं इस इफेक्ट को हटाना सिखाता हूँ, बाय डिफॉल्ट ये अपने आप आता है। अब इसको सेलेक्ट कीजिए, डिलीट वाला बटन प्रेस करिए और ये हट जाएगा। अब देखिएगा कैसा दिखाई देता है, देखा आपने एकदम से क्या हो रहा है, इमेज आ रही है और एकदम से वीडियो आ रही है। अच्छा तो ये भी है कि जब मैंने बोला एग्जाम्पल आ गया और जैसे ही वो एग्जाम्पल की बात खत्म हुई तो वीडियो फिर कंटिन्यू शुरू हो गई। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वाली इमेज जो है वो जूम करके आए, तो कैसे होगा, इस इमेज पे चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फेड इन फेड आउट अभी बताता हूं मैं आपको, रोटेट भी हम इसको कर सकते हैं, लेआउट भी इसका कर सकते हैं। लेआउट मैं आपको पहले करके दिखाता हूं, ये शुरू में आ गया, देखिए 1/4 साइज सेंटर, मतलब कि 1/4 इसका साइज कर देगा और सेंटर में इसको रखेगा। लेआउट 1/4 साइज टॉप लेफ्ट, टॉप में चला जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स जो होते हैं ना, इस प्रकार से साइड में एक इमेज दिखा देते हैं, हाथ का इशारा करते हुए देखिए, जैसे कि ये पेन, तो वो इमेज ऐसे ही जो है वो सेट करते हैं, जैसा आप करना चाहें। देखिए 1/4 टॉप लेफ्ट या बॉटम में, जैसे भी आप करना चाहें इसमें आप कर सकते हैं। वापिस एक बार अंडू कर देता हूं मैं इसको, ये देखिए अंडू कर रहा हूं, ये वापिस आ गया वैसे ही, कंट्रोल प्लस जेड से अंडू हो रहा है। फेड इन फेड आउट भी साथ के साथ इसमें दिखाता हूँ, देखिए फेड इन फेड आउट स्टार्टिंग की उसमें करना है, एंटायर क्लिप में करना है, सॉरी एंड में करना है, एंटायर पे करना है, तो मैं आपको स्टार्टिंग वाला करके दिखाता हूँ, फेड इन स्लो, देखते हैं इफेक्ट लग पाया या नहीं। बिल्कुल अच्छे से काम किया इसने, देखिए फेड है बिल्कुल और उसके बाद आया, एक तरह का अलग इफेक्ट इसके अंदर जो है वो क्रिएट हुआ, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है ये। एंड में भी एंटायर पे लगाएंगे तो दोनों तरफ काम करेगा, शुरू में भी और लास्ट में भी। ठीक है, और दिखाता हूँ इमेज के इफेक्ट आपको, क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा यूज करना है। राइट क्लिक करते हैं, ये टाइम वाला है, कितनी जल्दी आएगा कितनी जल्दी नहीं आएगा, ये जितने भी फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं आप सभी इनको यूज करेंगे, तब कर पाएंगे जब आप थोड़ी थोड़ी एडिटिंग करना शुरू कर देंगे। एनिमेट पे चलते हैं, एंटायर में देखिए पूरी की पूरी, एंटायर का मतलब पूरी की पूरी जितनी इमेज है उसमें पूरे में काम करेगा, स्टार्टिंग करेंगे तो स्टार्टिंग में काम करेगा, एंड ऑफ द क्लिप करेंगे तो एंड वाले ऑप्शन पे काम करेगा। मैं एंटायर पे करके दिखाता हूँ, देखिए जूम इन 50% से 100% इसको करते, चलिए अब देखते हैं कैसा दिखता है। मेरे ख्याल से आप सभी को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये काफी, कैसे इमेज के इफेक्ट जो है हम लगातार चेंज कर रहे हैं। अंडू कर देता हूं एक बारी, चलिए और दिखाता हूं एक तो करके इसके अंदर, फिर अगले स्टेप पे चलते हैं, क्योंकि सभी के सभी तो आप जब करेंगे तभी आप लोगों को इसमें करने में आनंद आएगा। देखिए एक इफेक्ट और दिखाता हूं आपको इसी के अंदर, राइट क्लिक करके जाते हैं हम, एनिमेट में जाते हैं, एंटायर क्लिप में जाते हैं। अब देखिएगा जूम के अलावा, जूम में तो आ गया 50 to 100%, 75 to 100, रिवर्स में भी कर सकते हैं 100 to 150, आपको दिखाता हूं एक करके।
कुलदीप जी बीच में एक बार इंटरप्ट करें, एक क्वेरी है, कैन वी चेंज द साइज ऑफ इमेज? यस सर मैंने अभी करके दिखाया था, मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। हाँ जी, थैंक यू सर। वेलकम। मैं अंडू कर रहा हूँ अभी ताकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग वाले उसमें आ जाएं। ये देखिए, आप इमेज जिसका भी साइज आप कम करना चाहते हैं, वीडियो का भी कर सकते हैं, इमेज को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, लेआउट में जाइए और देखिए लेआउट में ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। आप 1/4 साइज कर सकते हैं इसका, सेंटर में करना चाहें आप सेंटर में कर लीजिए, टॉप में करना चाहें टॉप में कर लीजिए। मतलब क्या हुआ, ओपन शॉट ने बहुत सोची समझी ऐसी ऐसी इसके अंदर अल्टरेशन या मॉडिफिकेशन ऐड कर रखी है जिनका हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। देखिए लेआउट में जाएं, टॉप राइट जैसा आप करना चाहें, इसमें सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं, बॉटम लेफ्ट, रोटेट करना चाहें रोटेट भी कर सकते हैं आप, यहां पर है रोटेट 90%, देखिए 90% हो गया, तो जैसे आप करना चाहें इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको क्या दिखा रहा था, एक और इमेज के अंदर एक और ऑप्शन दिखाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि इमेज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जब करेंगे तो आपको आ जाएंगे धीरे धीरे। एनिमेट पे चलते हैं और एंटायर क्लिप में जूम वाला मैंने आपको करके दिखा दिया, आप छोटे से बड़ा करके इमेज को दिखा सकते हैं या बड़े से बैक करते हुए छोटा भी आप दिखा सकते हैं। सेंटर टू एज पे चलते हैं, सेंटर टू एज में देखिएगा बीच से इमेज उठेगी और टॉप पे चली जाएगी। मैं एक बार अंडू कर दूं ताकि ये पूरी इमेज आ जाए। ठीक है, एनिमेट पे एंटायर क्लिप, सेंटर टू एज के अंदर चार ऑप्शन आ गए, सेंटर से टॉप में जाए, सेंटर से लेफ्ट में जाए, सेंटर से राइट में जाए, सेंटर से बॉटम में जाए। मैं एक दो करके दिखाता हूं आपको। देखिए सेंटर से टॉप मैंने इस पे लागू कर दिया, अब देखते हैं कैसे चलती है। तो आपने देखा होगा जरूर, मैं इसका यूज भी आपको बताऊंगा कि इसका बढ़िया यूज आप कैसे कर सकते हैं, अभी तो इमेज के ऊपर इफेक्ट दिखा रहा हूं आपको सभी के सभी। और देख लेता हूं कोई अगर जरूरी होता है तो। कुलदीप जी, जी जी, एक क्वेरी आई है रश्मि जी की, कैन वी ऐड पीपीटी डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू इमेज? नो, क्या सीधे पीपीटी कर सकते हैं? नहीं, आप पीपीटी को इमेज में कन्वर्ट करके फिर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। जी जी, ग्रेट पॉइंट। अगर कोई साथी चाहे तो बता भी सकते हैं हम एंड सेशन में कि पीपीटी को इमेज में कैसे कन्वर्ट करें, ताकि आसान है, कर रहे होंगे सभी साथी। दैट्स ग्रेट। जी जी जी, तो ये हो गया हमारा कुछ इमेज पे इफेक्ट। अब कुछ और आपको मैं एडिटिंग इसी के अंदर करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसके साथ में वीडियो ऐड कर ली, ये इसके साथ में मैंने इमेज ऐड कर ली, ये इसकी वीडियो इसके साथ चिपका दी, ये मैंने इसके साथ में चिपका दी। अब कुछ इफेक्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर जो ये ब्लैक कलर का सरफेस है, आप यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हैं और हम जाएंगे ट्रांजेक्शन के अंदर, यहाँ टिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन ऐड हो गई हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। ये देखिए, सर्कल इन टू आउट, सर्कल आउट टू इन, फेड, ये बहुत सारे जो है वो ट्रांजेक्शन हमारे पास अवेलेबल है। मैं एक तो आपको लगा के दिखाता हूँ, आप ये सभी यूज कर सकते हैं। ये देखिए कितने सारे हैं इसके अंदर, मोर देन 100 हैं ये इफेक्ट्स। मैं कोई दो आपको लगा के दिखाता हूँ, आप सभी के सभी ट्राई कीजिएगा, फिर उसके बाद में क्या इसका जो है इफेक्ट हमारी वीडियो पे, हमारी एडिटिंग पे पड़ता है। मान लीजिए मैं लगाता हूं ये वाला बार रिंपल 11, मैं लगाता हूं इसको यहां पर, ऐसे ड्रैग करके आप इसको ला सकते हैं और इसको मैं कर लेता हूं थोड़ा सा छोटा, लीजिए हाफ कर लिया। इफेक्ट पे नजर दीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग, जहां मर्जी फिट कीजिएगा। मैं आपको इफेक्ट दिखा रहा हूं कि कैसे लगा सकते हैं और क्या उसका इफेक्ट रहेगा। रन करता हूं वीडियो, फिर से दिखाता हूं एक बारी। ऐसे सभी अलग अलग तरीके से काम करते हैं ये। एक और लगा के दिखाता हूं आपको, इसको हटाना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए, डिलीट वाला बटन प्रेस करिए, हट जाएगा।
एक और दिखाता हूँ आपको, लीजिए ये वाला लगाते हैं, इसको पकड़िए इसको और जहां लगाना चाहते हैं वहां छोड़ दीजिए इसको। नॉर्मली ये शुरू में या लास्ट में लगाते हुए ज्यादा इफेक्टिव नजर आता है, लेकिन ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं। देखिए अच्छा करता हूं, काफी अट्रैक्टिव आपको लगा होगा ये एनिमेशन हमारा, ये देखिए इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं जितनी देर तक चलाना चाहें, जितने कम समय तक चलाना चाहें। इसके कॉर्नर को पकड़ के ऐसे कर सकते हैं हम, ये पूरे के पूरे पे भी चल जाएगा, देखिए मतलब डिले हो जाएगा, टाइम लेगा बहुत ज्यादा, स्लो हो जाएगा ये। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो इस प्रकार से हम ट्रांजेक्शंस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो वॉइस मैंने आपको ऐड करनी सिखा दी, इमेज ऐड करनी सिखा दी, एक और होता है लास्ट में जो हमने टाइटल और आपको बनाना सिखाता हूँ। ये बीच वाली ये हटा देता हूँ मैं, जितने भी वीडियो क्लिप्स हो रहे हैं। इमेज रख लेते हैं एक, एक ये रख लेते हैं और SCRT वाली इमेज भी हटा देता हूँ। मैं आपको टाइटल लगाना सिखाता हूँ शुरू में। मान लीजिए आप पर्सनल अपने YouTube चैनल के लिए जो है वो डाल रहे हैं, तो टाइटल कैसे बनाते हैं, ये जो ऊपर टाइटल जो लिखा हुआ है, फाइल एडिट और उसके बाद टाइटल, तो उसके जस्ट नीचे जो टाइटल लिखा हुआ है आप उस पर क्लिक कीजिए तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ हम टाइटल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ अब प्रीव्यू दिखा रहा है टाइटल का। सबसे पहला जो है वो फाइल नेम है, इसको छेड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लाइन वन में टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ हम इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं NESS बिजनेस रिस्क। आप इसका चेंज करना चाहें कलर तो चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए रेड कर देते हैं, ये रेड कलर में हो जाएगा, टेक्स्ट कलर से मैंने इसको चेंज किया और उसके बाद में इसको सेव कर लीजिए। यहाँ ये छोटे से जो दो बटन बने हुए, यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं हम, मैं क्लोज कर देता हूँ इसको। अब ये हमारा जो है टाइटल वाला आ गया जो हमने बनाया था, मैं इसको उठाता हूँ और स्टार्टिंग में वीडियो पे रख देता हूँ, फिर उसके साथ में अपनी वीडियो अटैच कर देता हूँ, फिर ये इमेज जो हमने करी थी ये करी थी। अब रन करता हूँ वीडियो, देखिएगा कैसे लगे। अब ये हमारा शुरू में टाइटल चल रहा है, ये मैंने एक सैंपल दिखाया है, आप इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसकी शब्दों को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं जी। और भी बहुत ज्यादा चीजें हैं इसके अंदर जो आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसी के ऊपर भी आप ट्रांजेक्शन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ट्रांजेक्शन लाइए और यहाँ आके इसको छोड़ दीजिए, अब देखिएगा कैसा दिखता है। और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और ज्यादा थोड़ा सा तरीका मैं आपको दिखाता हूं, अगर थोड़ा सा और हम अट्रैक्टिव करना चाहें तो, जैसे इसी को ही जो हमारा टाइटल है इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं हम। एक इसके अंदर मैंने ट्रांजेक्शन छोड़ी और इसको आधा कर दिया, फिर से मैंने उसी ट्रांजेक्शन को लिया और उस बचे हुए आधे हिस्से को मैंने कवर कर लिया। अब मैंने क्या किया, उस छोटे से हिस्से पे दो ट्रांजेक्शंस लगाई हैं, ये पहली वाली है ये दूसरी वाली। मैं क्या करता हूं इस दूसरे वाली को रिवर्स कर देता हूं, हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब ट्रांजेक्शन का रिवर्स इफेक्ट आएगा। एक बार मैं कर देता हूं फिर आप देखिएगा कैसी दिखती है ये। उम्मीद करता हूं आपको ये इफेक्ट पसंद आया होगा, ऐसे सभी इफेक्ट्स के ऊपर हम कर सकते हैं, आपकी क्रिएशन पे डिपेंड करता है आप कितना इसको और ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। खासकर जो छोटी क्लासेस में हमारे अध्यापक पढ़ाते हैं जहां पर इमेजेस का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि हम सबने इस चीज में कोई दो राय नहीं है, कल राजेंद्र जी ने भी हमें बताया था कि इमेजेस जो है वो हमें मेमोराइज करने में और बहुत ज्यादा लंबे समय तक याद करने में मदद करती है, तो यहाँ इमेजेस पे बहुत बढ़िया इफेक्ट जो है वो इसका लग जाता है। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, देखिए बस ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट लगा दिया इसमें,
शुरू में नहीं आता, फिर दिखता है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये वाला ट्रांजेक्शन का इफेक्ट है, हटा देता हूं मैं इसको ट्रांजेक्शन पे। अब एक और मैजिक दिखाता हूं आपको मैं इसका, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसी के ऊपर कर लेते हैं, ये छोटी वीडियो है। आपने देखा होगा वीडियोस में या इसमें भी आपको नजर आ रहा होगा, इस वाली वीडियो में भी, कैसे नाम जो है वो नीचे चल रहा है। तो आप भी ऐसे वीडियो के नीचे अपना नाम चला सकते हैं, कुलदीप बिरियाल, पीजीटी कॉमर्स, वर्किंग इन गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लायत, ऐसे जैसे न्यूज क्लिप जो है वो चलती रहती है, हमने न्यूज चैनल में देखा है, हम उसको भी कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़े अच्छे से करना आ जाएगा। हम क्या करते हैं, हम टाइटल में ही जाते हैं और टाइटल ले लेते हैं। अब नीचे वाली लाइन बार मुझे चाहिए, अब सेंटर वाली करना चाहें सेंटर भी हो सकती है, लेकिन मैं तो बॉटम वाली चाहता हूँ। तो ये बार थ्री जो है, आप सैंपल देखिए, बॉटम में है। हम इसके लाइन वन में इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने अपना नाम शो करना है और टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ इसका, ओके, और सेव कर देता हूँ इसको। ये आ गया, देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो, ये अलग से इसको मैं ले जाता हूँ इसके ऊपर, और यहाँ जहां पर भी वीडियो को मैं वीडियो में अपना नाम दिखाना चाहता हूँ वहां छोड़ देता हूँ इसको, और इसको मैं छोटा कर सकता हूँ, मैं छोटा कर लेता हूँ, इसके ट्रांजेक्शन इफेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए अब छोटा हो गया। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखाई देता है, फिर उसमें थोड़ा सा ट्रांजेक्शन हम लगाते हैं, देखिएगा। आपने देखा ना कैसे नाम आया और फिर उसके बाद अपने आप चला गया। अब इसको हम जो है वो स्क्रॉल भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे वैसे मैंने आपको दिखाया था, लेकिन मैं फिर से करता हूं। आप इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, रोटेट में जाइए, नहीं सॉरी रोटेट में नहीं, एनिमेट में जाइएगा। रोटेट में तो ऊपर नीचे 90 डिग्री 80 डिग्री पे करता है, एनिमेशन में जाइए, एंटायर क्लिप पे जाइए और एज टू एज इसको सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर ये चलेगा। तो जैसे ही मैं एज टू एज करता हूं तो टॉप से बॉटम में ले जाना है, राइट से लेफ्ट में ले जाना है, लेफ्ट से राइट, बॉटम से टॉप, जैसा भी आपको पसंद आए आप वो कर सकते हैं। जैसे मैं बॉटम से टॉप में आपको करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा कैसा होता है ये। देखा आपने, ऊपर चला गया। अब स्पीड इसकी इसलिए ज्यादा गई क्योंकि ये छोटा कर दिया था मैंने वीडियो साइज की वजह से, आपको इसको बड़ा करेंगे तो ये उतना ही स्लो चलेगा, मतलब इसका साइज जितना बड़ा होगा इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज का मतलब ज्यादा समय तक स्क्रीन पे दिखाई देगा, और अगर इसका साइज छोटा रहेगा तो इसकी स्क्रीन जो स्पीड है डिक्रीज हो जाएगी, मतलब स्क्रीन पे कम समय रहेगा। लेफ्ट राइट करना चाहे लेफ्ट राइट कर सकते हैं, अंडू कर देता हूँ। चलिए मैं आपको स्लो ही करके दिखा देता हूँ, मैं सारी ये फाइलें हटा देता हूँ एक बार के लिए, और जो हमारी पहले वाली थी उसको ले लेता हूँ। देखिए ये पूरी बड़ी स्लाइड है, और यहाँ मैं इसको लगाना चाहता हूँ, मैंने इसको पकड़ा, यहाँ छोड़ दिया इसको, ये बाय डिफॉल्ट जो है ना इसमें ट्रांजेक्शन कर देता है, आप क्लिक करके इसके ट्रांजेक्शन को डिलीट कर सकते हैं, अब ये ओरिजिनल रह जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा कर दिया मैंने ताकि लंबे समय तक दिखाई दे। ट्रांजेक्शन लगाते हैं इसमें, राइट क्लिक किया, एनिमेट में गए, स्टार्टिंग क्लिप में लगाना है, स्टार्टिंग की हमें जरूरत नहीं, हम तो एंटायर पे लगाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, एज टू एज में जाएंगे, अब चलाते हैं हम राइट से लेफ्ट, देखिएगा अब कैसे आता है। मेरे ख्याल से आपको ये वाली चीज भी जो है वो अच्छे से जो है समझ में आई होगी कि कैसे न्यूज चैनल पे जो न्यूज नीचे नीचे चलती रहती है वो भी हम इसी प्रकार से जो है वो अच्छे प्रकार से इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। एक कॉपीराइट वाला जो हमारा टाइटल था उसका भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लास्ट में अपना कॉपीराइट का जो है वो लगा सकते हैं इसमें सिंबल। तो मैं एक वो और लगा के दिखाता हूँ आपको, मैं इसको पहले स्लाइस करके और लेफ्ट साइड रख लेता हूँ इसका, छोटा कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ लास्ट में वीडियो एंड होगी तो फिर मैं यहाँ पर लगाता हूँ कॉपीराइट वाला। टाइटल में चलते हैं फिर से,
टाइटल पे टिक करता हूँ और यहाँ देखिए बाय डिफॉल्ट अपने आप ही क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के हैं ये बने हुए, तो एक ये बना हुआ है एक ये बना हुआ है, जोन सा आप लेना चाहे वो ले लीजिए। मान लीजिए ये ले लेते हैं। अब हमें पहला फाइल नेम हमें उसको छेड़ने की जरूरत नहीं, हमारे किसी काम का नहीं है। सेकेंड लाइन में पढ़िए दिस वीडियो फीचर द सॉन्ग, तो सॉन्ग को हटा देते हैं हम क्योंकि हमारा सॉन्ग तो है नहीं, सॉन्ग हो तो रहने दीजिएगा। दिस वीडियो फीचर द, यहाँ आपको टाइटल डालना है। कुलदीप जी, जी सर, दो मैसेज हैं आपके लिए। एक तो बलबीर जी कह रहे हैं थोड़ा सा कंसाइज करें, और एक क्वेरी है हाउ टू ऐड टेक्स्ट। ओके ठीक जी, ठीक है। तो एक बार ये क्रिएटिव कॉमन करते हैं, फिर उसके बाद में मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। तो अब टाइटल यहाँ हम अपना डाल देंगे, जो हमारा जिस पे वीडियो है बिजनेस रिस्क। यहाँ ऑथर का नाम लिख देंगे, किसने बनाया है इसने इसको। लाइन फोर में वेबसाइट का लिंक मांगता है, हमारी कोई वेबसाइट होगी तो हम डाल देंगे, नहीं तो हम इसको हटा देते हैं। अवेलेबल अंडर, इसको रहने दीजिए, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का हमने पूरा का पूरा वो पढ़ा था। टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें, टेक्स्ट का कलर आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ग्रीन, और बैकग्राउंड का चेंज करना चाहे तो बैकग्राउंड का कर सकते हैं ब्लैक, और सेव कर दूंगा मैं इसको। अब मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ आपको। जी मैंने ऐड कर दिया, अब देखिएगा। अब आप लोगों को मैंने ये तो सिखा दिया कि एकदम से जो इमेज आती है बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगती। देखिए ऐसे लगता है जैसे कुछ एक्स्ट्रा सा कुछ एकदम से जबरदस्ती इसमें डाल दिया। तो उससे बचने के लिए एक तो आप ट्रांजेक्शन्स का यूज कर सकते हैं, यहाँ राइट क्लिक किया ट्रांजेक्शन्स आ गई, जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए, या फिर राइट क्लिक कीजिए फेड इन फेड आउट जो रह गया था एंटायर क्लिप पे, और फेड इन फेड आउट स्लो कर दीजिए इसको। अब देखिएगा एक अध्यापक साथी ने पूछा था कि इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड करें। वैसे तो जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें सारी की सारी हमारी टेक्स्ट होती हैं, लेकिन फिर भी जैसे हमने इमेज को ऐड किया वैसे ही हम टेक्स्ट को भी शो कर सकते हैं। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि फाइनेंस के जो है वो बिजनेस के सोर्सेज कौन से हो सकते हैं, जैसे कि बैंक, जैसे कि पर्सनल फाइनेंस, जैसे कि डिबेंचर्स, जैसे कि शेयर। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ जैसे कि ये जैसे कि वो, तो एक छोटा सा अगर वर्ड की फॉर्म में भी आ जाए तो वो भी अट्रैक्ट लगता है। मैं एक करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में इसको क्लोज करते हैं। टाइटल में जाता हूँ, फिर से टाइटल पे टिक करता हूँ। तो ये देखिए ये क्लाउड वाला है, ये बड़ा अच्छा लगता है वर्ड को दिखाने के लिए। तीन वर्ड आपको दिखाने हैं तो यहाँ पर थ्री वर्ड जो है वो इकट्ठे दिखाई जा सकते हैं, या फिर टाइटल वाला भी ले सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि हम इसको यूज नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है टाइटल वाला ये बड़ा अच्छा लगता है, मैंने बहुत यूज किया है। इसी को मैं आपको करके दिखाता हूँ। फाइल का नाम आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप क्या दिखाना चाहते हैं, बैंक मान लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाना चाहते। सेकेंड लाइन वाले को हटा दीजिए, हटा दिया। कलर चेंज करना चाहें टेक्स्ट का कर सकते हैं, बैकग्राउंड का करना चाहें तो कर सकते हैं, और सेव कर दीजिए इसको। ये आ गया हमारा, इसको आप मान लीजिए यहाँ दिखाना चाहते हैं, आप यहाँ दिखा के इसको छोड़ दीजिए। बाय डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन ऐड करता है, आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। देखिए अब कैसे आएगा, अब ये एकदम से ना आए तो आपको पता है कि क्या करना है। राइट क्लिक करें, फेड में जाएं, एंटायर क्लिप पे जाएं, फेड इन फेड आउट स्लो कीजिए और चला के देखिए। जी नरेंद्र जी, मेरी तरफ से तो इतना ही है। नहीं कुलदीप जी, एक क्वेरी आ गई मैडम रसीमा जी की, कैन वी कॉपी पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम वर्ड या पीडीएफ, थोड़ा इसका जवाब दे दीजिए। देखिए कॉपी वर्ड से तो हम कहीं से भी टेक्स्ट तो पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें उसको इफेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब यहाँ काम करेगा। जैसे मैंने ये बैंक वाला किया, आप जितने भी वर्ड दिखाना चाहें आप टाइटल में जाके और यहाँ से ये ट्रांजेक्शन चूज कर सकते हैं, तभी वो वर्ड यहाँ पर दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। यस जी ठीक है जी सर।
तो ओपन शॉट में हालांकि बहुत सारी जो है वो अपॉर्चुनिटीज इसमें अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ई कंटेंट क्रिएट करते समय आपको कौन कौन सी चीजें इसके अंदर जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो आपकी वीडियो को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती हैं, वो मैंने लगभग सारी की सारी इंक्लूड की हैं। फिर भी अगर कोई रह जाती है तो जो क्वेरी डे हमारा रहेगा मैं उसमें कुछ ना कुछ ले लूंगा।